दोस्तों, कुछ दिनों पहले जो है आपसे मैंने वाहिद और जमा के बारे में पढ़ाया था, जिसको इंग्लिश में जो है आप खुद सिंगुलर और प्लुरल पढ़ते हैं। आइए यहाँ पर वर्ड के जरिए से हम जो है जानते हैं। वाहिद जमा, वाहिद को जो है इंग्लिश भाषा में के अंदर में सिंगुलर कहते हैं और जमा को जो है इंग्लिश भाषा के अंदर में प्लुरल कहते हैं। अब आइए वाहिद और जमा के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं हम उसको जो है। आप थोड़ा बहुत अगर दिमाग में रख लेते हैं तो आपके आगे भविष्य के लिए जो है बहुत ज्यादा है। सबसे पहले एक नंबर में नदी, नदी इसका जमा जो है नदियां होता है। दो नंबर में जो है सिमट, यानी कि दिशा, सिमटे। तीन नंबर के अंदर में जो है भाई, भाई भाइयों। चार नंबर में जो है लड़के, लड़का, इसका जमा जो है लड़के होता है। आइए पांच नंबर, पांच नंबर में जो है गाड़ी, इसका जमा जो है गाड़िया होता है। छह नंबर में जो है अशरफी, अशरफी जो हम लोग पहले के जमाने में जो अशरफी चलता था, है ना। अशरफिया। सात नंबर में दुकान, दुकानों। आठ नंबर में जैसे एग्जाम में आपको हर हमेशा आता है सवाल, सवाल का जमा क्या होगा, सवाल का जमा जो है यहाँ पे आप इन सवालों का जवाब लिखें। उसके बाद में आता है, आइए और दो चार जान लेते हैं, असबल, सबब, सबब का जमा होता है असबाब। उसके बाद में जो है ऐसे ही जो है जमा बनाने का यही तरीका है, और जमा बनाने का तरीका जो है एक बार जरूर आपके सामने जो है बता दिया जाएगा। जैसे दफ्तर, अब दफ्तर जानते हैं, दफ्तर जो है क्या चीज को, ऑफिस को दफ्तर बोलते हैं, इसका जमा जो है दफ्तरों हो जाएगा। उसके बाद में कॉलेज, कॉलेज का जमा जो है कॉलेजों होता है। उसके बाद में स्कूल, स्कूल का जमा जो है स्कूलों होता है। यही सब जमा है आप, और इन्हीं चंद चीजों को जो है, चंद लफ्जों को याद कर लेंगे तो आगे जो है आपको बहुत सारे लफ्ज मिल जाएंगे, और आपको जो है किताबों के अंदर में जब देखिएगा तो कौन वाहिद और कौन जमा है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास में जो है जरूर शेयर करें। थैंक यू।